एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा बरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सठ ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। फिलहाल सारा काम हो गया था और उसके बाद में थोड़ी देर सोई थी। बाकी आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, तो नीचे जाते हैं, मौसम भी दिखाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। मम्मी नीचे ही है, पापा जी ऊपर दुकान में गए हुए हैं। दोस्तों नीचे आके थोड़ी देर में बैठी थी, उसके बाद हमारे दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया है, मतलब हो गया था। तो मेरा आधा खाना लगभग बन चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आज हमारा बन रहा है भटकी पीसी वाली दाल, बहुत दिन हो गए थे तो मेरे को कल याद आ गई भटकी पीसी दाल और हरी सब्जी, चावल और आम पुदीने की चटनी। तो मम्मी अभी गई है पुदीने की चटनी, मतलब पुदीना तोड़ने के लिए। बाकी मैं तब तक दो आम छील लेती हूँ। दो आम, एक घर का वाला प्याज है जो वो, और पुदीना डालेंगे तो काफ़ी अच्छी होती है उसकी चटनी भी। आजकल सीजन भी है ना तो आम का। दोस्तों रेस्ट वगैरह करके मैं उठ गई हूँ और दिन का खाना वगैरह खाने के बाद, नहाना वगैरह होने के बाद मैं सोई। आजकल मैं दिन में नहा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह नहा लो ना, फिर उसके बाद दिन में गर्मी होने लग जाती है और फिर बार बार नहाने में भी ठंडी गर्मी लग जाती है। तो इस वजह से मैं आजकल दिन में नहा रही हूँ दिन का खाना खाने के बाद, तो काफ़ी सही हो रहा है उस टाइम पर नहा के, फिर नींद भी अच्छी आ रही है। बाकी अब नीचे जाते हैं, मम्मी भी गार्डन में गुड़ाई कर रही हैं और आपको मौसम दिखा देती हूँ सुबह। तो जिस टाइम मैं गई थी, मौसम दिखाऊंगी आपको, क्योंकि उस टाइम पे धूप आई हुई थी चट वाली, अभी बादल लग गए हैं। मेरी बनने लगी है मम्मी पापा के लिए चाय। मैं तो पीती नहीं हूँ चाय, तो मैं खाऊंगी तरबूज। मौसी के लाए हुए तरबूज अभी तक भी है, मौसी एक कट्टे तरबूज लेके आई थी खट्टी माँ से, तो अभी दो और बचे हुए हैं जो कटे नहीं है, बाकी तीसरा ही है जो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये वाला खाऊंगी अभी। और आज मैं आपको अपने गार्डन की थोड़ी सैर कराऊंगी कि गार्डन में क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं, और वो भी दिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी कि मतलब गमले वगैरह भी दिखाऊंगी। बहुत दिनों से वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं और मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। क्या पता शायद आज बारिश भी आ सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से चाहिए हो रही थी, बारिश नहीं आई है 3-4 दिनों से। जिस दिन हम घूमने के लिए गए थे उस दिन आई थी, उसके बाद से बारिश नहीं आई है यहाँ। चाय पीने के बाद मम्मी फिर से लग गई है गुड़ाई में, मिर्ची गुड़ाई। आज आपको पूरे गार्डन की सब्जियाँ दिखाते हैं, हमने क्या क्या लगा रखी है गर्मी वाली सब्जियाँ। पहले उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अपने गमले, जिनमें मतलब फूल तो खिले नहीं है इस बार, लेकिन अलग अलग पेड़ लगा दिए हैं हमने थोड़े बहुत। इसमें हजारी लगा रखा है और इसमें ये वाले फूल जो कि ख़राब हो गए हैं, और ये वाले फूल तो हमेशा ही रहते हैं। और ये रही बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लगने वाली यहाँ पे, ये और ये वही डॉग फ्लावर अभी भी खिल रहे हैं अभी भी। और ये राखी वाला फूल है जो कि पता नहीं कब खिलेगा, छोटा सा गमला है लेकिन इतना बड़ा फूल वो लगा है, पेड़ लगा हुआ है इसमें, साथ में करेले का पेड़ भी लगा है पौधा। और हमने कंटर में लगा रखी है शिमला मिर्च। मैं स्ट्रॉबेरी के पौधे की बात कर रही थी, स्ट्रॉबेरी का पौधा इसलिए दिखाऊंगी कहते क्योंकि उसमें ना जैसे हम नई स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाते हैं, नई स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं ये बताना चाहती थी आपको। इसमें आपको ये दिखी होंगी बेल, ये रही बेल, बेल हैं पूरी। और इसी बेल में ना यहाँ पे से ये जड़ दिखाई दे रही है आपको, इसमें दिख रही है ये जड़। थोड़े दिनों बाद ये जड़ ना थोड़ी बड़ी होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे से इसको तोड़ देते हैं। जैसे ये है, ये इतनी बड़ी बड़ी बेलें लगी हैं नए पौधे लगाने के लिए, तो ये जड़ तोड़ने के बाद इसको लगा देते हैं गमले में या मिट्टी में, फिर
नया पौधा आ जाता है फिर से। और यहाँ पे भी हमारी स्टोरी लग रही है, बारिश नहीं हो रही ना उसके से, अच्छी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी लगी हुई है इतनी सारी। बीच में बारिश हुई थी तो ये सारी बेल लग गई। आजकल हमारे कोई भी गमले अच्छे नहीं हो रहे हैं क्योंकि फूल सब खराब हो जा रहे हैं। बारिश आ रही है तो तब दो तीन दिन अच्छे हो रहे हैं, अगर बारिश नहीं आ रही है तो कीड़े लग जा रहे हैं, सारे फूल कीड़े खा दे रहे हैं। तो गमले तो इतने ही थे, बाकी आपको गार्डन की चीज़ें दिखाती हूँ। लौकी कद्दू सब लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा रखा है पुदीना, पुदीने के बगल में है लौकी का बेल जो कि इतना बड़ा हो चुका है, और यहाँ पे हमारा धनिया। और शिमला मिर्ची की यहाँ पे भी लगी है, लंबी वाली शिमला मिर्ची लगा रखी है हमने, ये रही। और ये यहाँ पे सिर्फ तीन शिमला मिर्च के पौधे लगे हैं, बाकी यहाँ लगी हैं बीन्स, जो कि अब बीन्स की सब्जी खाने लायक हो गई है। वैसे पता नहीं चल रहा लेकिन अंदर से बीन्स लगे हुए हैं, गिर सारी जो बीन्स के जस्ट बगल में मम्मी लगा रखे मक्के के पौधे। यहाँ पे लगे हैं मीठे करेले का बेल, और यहाँ पे ककड़ी के पौधे हैं छोटे छोटे, और ये रहा बैगन, बैगन की क्यारी इतनी इतनी है यहाँ पे तक ऐसे करके। फिर से यहाँ पे बीन्स, बीन्स के जस्ट बगल में क्यारी बना रखी है भिंडी की, यहाँ पे लगाई है बाकी सारी शिमला मिर्च की जी, और सबकी जड़ में एक एक शिमला मिर्च लगा है। और यहाँ पे मम्मी मिर्ची की गुड़ाई कर रही है, जो सब्जी में मिर्च वगैरह डलती है हरी मिर्च, उसकी एक क्यारी यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, और यहाँ पे है मूली की क्यारी। बस यहीं पे ख़त्म होता है गार्डन की सब्जियों का कोटा, इस साइड को बंजर है। और यहाँ साइड में लगा रखे हैं दीवार की साइड में कड़े वाले करेले, यहाँ पे भी करेला और लौकी और गिट्ठी। एक फूल लगा है हमारे पूरे गमलों में, ये वाला छुप गई रिद्धि, इधर आ तो, इधर आ तो, आज तो रिद्धि, आज तो रिद्धि ने पिंक प्लाजो पहना है। आई दादी बोल दे, दादी देख रही है, आई दादी बोल, मैंने ये पहना, बोल दादी को दिखा दे, दादी हाय दादी बोल, देखेगी दादी कल कही हाँ मेरे गुरु को बोल दी, बोल चूनी भी दिखा, चूनी ये मेरी जिला घाटी नानी लाइफ दिखा दी ना दादी को दिखा। गिरना मत यहाँ से नीचे, गिरेगा वो गिरेगा उधर भाई। हाँ ना सर, नहीं बोल नहीं लेंगे, नानी थक गई ना सर। आधी धूप और हम यहाँ पानी भरने के लिए भी आए हैं, घूम तो आए हम, और मम्मी भरी है पानी। मौसम कुछ इस टाइप से हो रहा है, वो बता रहे हैं वो। ये मेरा कुत्ता है, जोर से बोलो वो प्रणाम, हाय तो बोलो इसमें, हाय ये मेरा कुत्ता है, भाग गया हो। भास्कर है ना इसका नाम, भास्कर ने। दो
दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।